एग्जाम्पल नंबर 12 देखो कि प्रूव दैट, बात नहीं करिए अर्पिता, टू प्रूव साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन, बीच बीच में पानी पीते रहिए, अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन इज इक्वल्स टू वन बाई सेक थीटा और माइनस टैन थीटा, ये चीज है। तो LHS साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था उसी तरह से है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। तो अगर मैं ऊपर और नीचे कॉस से डिवाइड कर दूं तो साइन बाई कॉस का टेन आ जाएगा और वन बाई कॉस से कैसे आ जाएगा, यही सब चीजें आ जाएंगी। फिर से समझो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड बाई कॉस थीटा, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में साइन से किया था, यहाँ कॉस से करना। तो भाई कैसे पता लगेगा कि किससे करना है? अभी बता रहे हैं, अभी अगले स्टेप पे पहुंच जाए फिर मैं आपको बता दूं। सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन बाई कॉस थीटा, तो इन सबको क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस वन बाई कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू, यहाँ लगता है मेन क्वेश्चन पे। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस वन बाई कॉस थीटा, अगर मान लीजिए ए प्लस बी है और अपॉन ए माइनस बी है और यहाँ सी प्लस डी है और सी माइनस डी है, आपको चाहिए कि यहाँ मल्टीप्लाई लगा बीच में, लेकिन कोई अगर ऐसे कर देता है ए माइनस बी और यहाँ मल्टीप्लाई लगा देगा तो बात गलत हो जाएगी। ऐसी स्थिति में ये मान लिया जाएगा कि बी का सी से मल्टीप्लाई, तब ब्रैकेट लगाना। इसलिए अगर एक मल्टीप्लाई लगाना है, एक मल्टीप्लाई लगाना तो सेंटर में लगाओ, कहीं ब्रैकेट नहीं लगेगा, ऊपर नीचे ना करो। अब कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ऐसा भी लिख रहे हैं, जो कि हाईली इरेगुलर है, वो अपने स्क्वायर रूट को छोटा बना रहे, ऐसा देखने में आया है। और ईशान ने यहां तक किया है ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी, तो कितनी चीटिंग की है, नीचे के स्क्वायर रूट को यहां तक सीमित कर दिया, ऐसा नहीं करना। पूरा अगर है तो पूरे रखना, ये एक ड्यूबियस है, इससे डाउट आता है कि नीचे नहीं है, अगर दोनों में स्क्वायर रूट है तो दोनों में होना चाहिए ना। अब देखिए अर्पिता बोलो, ये क्या चीज कही जा सकती है, क्या टैन, हमें टैन चाहिए ना, तो टैन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा और अपॉन प्लस वन और माइनस सेक थीटा, तो बोलो हमें ऊपर और नीचे किससे डिवाइड करना चाहिए था, कॉस से, ऐसा करने से यहाँ टैन आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और यहाँ सेक आ जाएगा कि नहीं, और हमें सेक और टैन चाहिए था। जो चीज आपको चाहिए और उसी से मल्टीप्लाई करना होगा और जिधर चाहिए उधर छेड़ना नहीं। तो क्या नीचे चाहिए कि ऊपर, तो नीचे मल्टीप्लाई ना करना ऊपर का। अब देखो, सो tan थीटा माइनस वन प्लस sec थीटा अपॉन tan थीटा प्लस वन माइनस sec थीटा, अब इसे मल्टीप्लाई करो, sec थीटा माइनस tan थीटा, नीचे भी sec थीटा माइनस tan थीटा, लेकिन नीचे कुछ ना करो, नीचे तो ये लाना ही, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो इससे कट जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करने पर एक चीज आएगी, वो चीज इससे कट जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां से tan का मल्टीप्लाई करो, ध्यान दो सृष्टि, तुम्हारा ध्यान अभी कम है इधर, tan थीटा, बोलो sec थीटा का क्या फार्मूला होता है सृष्टि, हाँ हाँ कॉस बाई कॉस बाई टैन थीटा, ये तो भी तो
कुछ जानती नहीं थी क्या करेंगे, पूरा पूरी चैप्टर भर स्ट्रगल ही करती रही। ठीक है, माइनस वन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तभी यॉइन कर रही मैंने कहा उबासी क्यों ले रही, तो उसके लिए ये एक अरबी लैंग्वेज है, उसे समझ में आ रहा पढ़ाया क्या रहा है। प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अब नीचे कुछ ना करें, टेन थीटा प्लस वन माइनस sec थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा। नाउ tan थीटा इज इक्वल्स टू रूट, बोलो tan थीटा इज रूट, बताइए फार्मूला, 1 प्लस sec थीटा sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। हां बोलो, इसका आंसर बताइए, 1 स्क्वायर माइनस काल नेमि जी मिरावन राहु उघरे अंत ना हो ही नहीं बाहू, हां सही बता रहा हूं, आप बताइए तो इंसान की प्रवृत्ति नहीं बदलती, निवृत्ति बदल जाएगी प्रवृत्ति नहीं बदलेगी, उसे अगर ये चैप्टर खराब करना है अगला भी खराब करेगा, वो खराब करता ही जाएगा लास्ट में। अब ये ट्रिग्नोमेट्री खराब कर रही, अब इनकी नजर क्वाड्रेटिक पे, अब जरा देखो tan थीटा sec थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा, फार्मूले तक तो याद नहीं, फिर सवाल खास करें, sec स्क्वायर थीटा माइनस sec थीटा tan थीटा और डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस वन माइनस sec थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, ये इससे कट गया। बोलो, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, ये माइनस tan स्क्वायर है प्लस sec स्क्वायर है, तो बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर समर्थ क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, और ये बताइए कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो हमारे पास क्या sec स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर है, इसको हम सजा के लिख लें, फिर अगले स्टेप में हम उसको लिख लेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस और माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा। तो मैं अब इसकी जगह 1 लिख दूं, देख लो यहाँ पे लिखा है, इसको यूज करते हुए 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा और tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा, इतनी बात हो गई ना। आओ बोलो cosec थीटा ने यहाँ क्या होता है, रुक जाओ रूट में बताओ, आप बताइए मुझे, एक ही लेवल के हैं सब, बोलो सब प्रॉब्लम, पांचों ही नहीं बता पा, तो That is minus sec theta plus tan theta और plus 1 है, ये एक ही चीज है, तो इन ये एक काटा करो आप, दो कैंसिल करते, दो नहीं कैंसिल किया जाता, यहाँ से कैंसिल करो यहाँ तक, सही, और यहाँ से ऐसे एक पेपर में आपने दो कैंसिल करा, हाँ ये समझ में आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा, 1 by sec theta minus tan theta, इसको करके दिखाइए, ये RHS है हैंस प्रूफ, यहाँ नहीं समझ में आया वहाँ पूछो, समझ में आई, हमारा मत देश सिखाने का ज्यादा है, सवाल लेने का काम नहीं आ रहा, सर बता दीजिए, दूसरा तो इसमें ये सबसे आसान है,
एक बार कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया और जो लाना है उससे मल्टीप्लाई करो, जहां लाना है वहां ना मल्टीप्लाई करके ऊपर करो। क्या क्या किया बताओ? कॉस से पहले कॉस से डिवाइड किया और जो लाना है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पे फिर उसके बाद वहां मल्टीप्लाई करना एक्चुअल जहां पे नहीं लाना। ठीक है, थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन सही है, और मेथड्स में ये सुपीरियर है। दूसरे तो मैं बता दूंगा बट वो अच्छे नहीं है ज्यादा। पूछ लीजिएगा जहाँ पे मैं, ठीक है, सही करना है। ये लो, बताइए बता दू? ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, जमा कर दें और लोग में ये प्रूव करना। पहले बिफोर टेकिंग एनएचएस सबसे पहले क्या किया जाता है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन थीटा से कर, साइन ए से कर लें तो करिए। ऐसे नहीं कर सकते क्या? साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए, ऐसा करने से कॉस बाई साइन का कॉट आ जाएगा और वन बाई साइन कॉसेट आ जाएगा, है ना? फिर से समझिए, कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए और प्लस वन बाई साइन ए और नीचे क्या होगा? ये आ गया, सही है, ध्यान दो, इतना आ गया। ऊपर साइन से क्या था तो तीनों में साइन से डिवाइड हो गया और नीचे कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए और माइनस वन बाई साइन ए। दिव्यांग जी मुझे ये बताइए कि इसको क्या लिखें? कॉट ए, कॉट ए माइनस वन, और इसे क्या लिखें? सही है, दैट इज कॉसेक ए और अपॉन कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। दिव्यांग जी अगला स्टेप मुझे क्या कर देना चाहिए? अच्छा चलो नेहा बता दे। प्लस जो लाना हो उसी से करो, सो दैट इज कॉट ए माइनस वन प्लस कॉस ए और डिवाइड बाई कॉट ए प्लस वन माइनस और ऊपर नीचे इसी से मल्टीप्लाई करो जो लाना, ये लाना तो क्या मल्टीप्लाई करें? cos a प्लस cot a और प्लस cot a। अंशिका अगला स्टेप मुझे क्या कर देना चाहिए? किधर किधर मतलब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में, क्योंकि ऊपर तो हमें लाना ही, तो इससे नीचे मल्टीप्लाई करो cot a माइनस वन प्लस cos a और cos a प्लस cot a। अब देखो नीचे cot a में cos a प्लस cot a, तो बिना लिखे कर सकते हैं? हाँ मन मन भी कर सकते हैं, वो जरूरी नहीं है। cos a
कॉसेक ए प्लस कॉट क्या कर दिया, ठीक है, ऊपर कुछ नहीं करना है, कॉट ए माइनस वन प्लस कॉसेक ए और नीचे कॉसेक ए प्लस कॉट ए और एंगल जरूर लगाना है दिलांगी, आप बहुत जगह एंगल नहीं लगाई है, तो कॉट ए जैसे कॉट लिख दिया साइन लिख दिया ऐसे नहीं लिखा जाता, उसके साथ एंगल होता है ना, कॉट ए कॉसेक और कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए प्लस और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉसेक ए कॉट ए, तो क्या ये कट गया राइट। अच्छा ये मुझे बताओ कि कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है, आप बताइए, हमको इतना पता नहीं था, ये तो हम बता देते, मुझे इतने बता दिया, अभी अभी भी सुन लिया तो ठीक से बताओ। चलो जैसा कि मुदित ने बताया बहुत अच्छा, दैट इज कॉसेक स्क्वायर ए, ये मुदित ने कैसे सोच लिया होगा, ये मुदित ही जाने कि इन्होंने माइनस वन कैसे सोचा होगा, देख लो, मतलब कॉसेक को ये मनी मन इधर लाए होंगे और वन को उधर ले गए, तभी तो ये पॉसिबल हो पाया है कि नहीं, तो इसलिए कॉट ए माइनस वन ठीक है मेरे को प्लस, और जो ऐसा ना करना चाहे वो कॉट स्क्वायर ए की सिंपल वैल्यू लिख दे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन तो भी वो कट ही जाएगा, फालतू की इधर उधर शफलिंग करने से अच्छा है क्या लिख दो बोलो एक ही की वैल्यू लिख दो वो अपने आप कट जाएंगे, ऐसा पिछले सवाल में भी कर सकते हो, समझ में आ गई कि नहीं, यही लिख दो जो कटना होता है, कॉट स्क्वायर दिख रहा है ना यहाँ पे उसकी जगह क्या लिख दो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन, कॉसेक कॉसेक कट जाएगा माइनस वन ही आ जाएगा, फिर से समझ अभी बता देता हूँ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इतनी बात समझ में आ गई, नहीं पसंद आएगा तो फिर मैं पिछला वाला ही करूंगा, पहले संदेह लो क्या पता पसंद नहीं आ जाए, कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख रहा हूँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन, फिर लिख के काट लो, बात तो वही है, वही चीज, कॉट ए और माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, तो बोलो अब इससे ये कट गया है वही चीज की नहीं, और माइनस वन आ ही जाएगा, तो ये जो चीज बची क्या वो इससे कट के आंसर आ जाएगा, हाँ ठीक है, तो दैट इज कॉट ए माइनस वन प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और डिवाइड बाई माइनस वन प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये पूरे का पूरा कट गया, अब कॉसेक ए प्लस कॉट ए जो कि आर एच एस है, एंड स्क्रू, चलो पहले वाला कुछ नहीं, पहले आपको इसको कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक साथ लिखना था और तब माइनस वन लिखना था, एक ही बात है, अच्छा है तो एक ही जगह लिख दो तो कटने वाला तो कट ही जाएगा ना, तो यू हैव टू प्रूव दिस, ये दोनों में से एक सवाल जरूर आता है एग्जाम में, इसके और भी फॉर्मेट्स आते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इन दोनों में से एक जरूर, चलो अच्छा किया है, ट्रिग्नोमेट्री है और मजा आया, चलो सर इसमें हाँ बोलो सर कहीं गड़बड़ी है बस बता दें सर, 50 रुपये में दे रहे हैं ना सर, सर एक मिनट, ये वाला जो है
आरटी तो तुम अभी पकड़ लो, मैं तो अभी तुम गेम चल रहा है सर। सर कैसी यहां पे कॉलेज और परफेक्ट एक मिनट में तो फिर ये आएगा तो कटेगा कैसे बोलो, ये काटो इसको, ये प्लस कहाँ से आया? तो तुमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया क्या? ऊपर क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? ऊपर तो लाना, नीचे करो, दोनों तरफ किया ना? नहीं आपने लिखा ऊपर है ना, ये तो ऊपर कुछ ना करो, नीचे मल्टीप्लाई करो, नहीं तो फिर ये भी गायब हो जाएगा। बिल्ला कैसे पाओगे? जिधर लाना है न्यूमरेटर में लाना है ना, उधर छेड़ो मत, और जिधर नहीं लाना है उधर छोड़ो मत। मतलब ऊपर वाले में वैसे ही वैसे तो ऊपर ही गड़बड़ कर दोगी तो गायब हो जाएगा, तुम ला कहां से पाओगे? चलो अब हटाएं, एक मिनट देख, चलो ट्रांसपोर्टेशन दैट इज फंक्शन ऑफ हार्ट। ओके तो फंक्शन ऑफ हार्ट आपको जो इसका डायग्राम बनाना है वो थोड़ा सा ट्रायंगुलर बनाना है। नाउ अब इसके बाद नीचे थोड़ा सा वाइडर बनाना, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वाइडर करते जाइए, और वाइडर करने के बाद फिर क्या करिए, सेक्टम बना दे। सर ट्रायंगुलर मतलब कैसे? बता रहा हूँ, ट्रायंगल शेप बनाना, बस एंड में कर्व करना। ये जो हार्ट होता है ना, ये किसी भी तरफ से देखोगे तो ट्रायंगुलर ही है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से ट्रायंगुलर है, नहीं ये ट्रायंगुलर है ये। तो अब इसमें शुक्रिया जमा करो, सेक्टम अंदर है। अब यहाँ देखो कि जब ये सबसे ऊपर, सबसे पहले हम मलिंदी की बात करेंगे, बाद में निलय की, दैट इज एट्रियम एंड वेंट्रिकल। सो यहां देखो ये चीज क्या है, दैट इज एट्रियम और सुपीरियर वीना कावा, और यहां से ब्लड आएगा और फिर यहां पर इसमें गिर जाएगा। देखो दो चीजें बनानी है, एक है उल्टा गिलास, उल्टा गिलास बना दिया, और एक ये सुराही है, और यहाँ से भी ऐसे ही सुराही है, ये सुराही है, ये देखो। अब ये देखें तो यहाँ से ब्लड आ रहा है, ये प्रोसेस तो एक ये क्या हो गया बताइए, ये एट्रियम है और यहाँ पे क्या है, इसमें एक वॉल्व होगा, और इसको भी इससे मिला दो, ये देखो इसको मिट्रल वॉल्व भी कह सकते हो, डाइकस्पिड दोनों नाम है, ठीक है कि नहीं। अब ये यहाँ पे ब्लड गिरेगा, ठीक है, तो ये एक एट्रियम है और एक ये चैम्बर है कि नहीं, तो आप चाहे तो इसको ऐसे चैम्बर कर दें, कुछ भी कर दें। तो ये एट्रियम हो गया और ये क्या हो गया वेंट्रिकल, ये देखो यहां से एक इधर और एक इधर, जब यहां से प्रेशर लगेगा तो क्या ये वॉल्व बंद हो जाएगा, और यहां पर भी एक वॉल्व बना हो, थोड़ा सिमेट्री रहनी चाहिए, अब सिमेट्री लग रही, एक वॉल्व ये बनाया, ये डाई का स्पीड है, एक वॉल्व ये बनाया, ये कैसा है, और यहाँ पर भी एक वॉल्व बनाओ, वो बाकी के सारे डाई का स्पीड है, लेकिन अब नाम अलग अलग है, ये सब डाई का स्पीड है, ठीक है, एक ही टाई का स्पीड है। अब ये देखो ये जो दाहिना लिंब है, दैट इज राइट एट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल, इट इज लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट
वेंट्रिकल, और ये चार वॉल्व हैं, सो V1, V2, ठीक है कुछ भी नाम दे दो, यहाँ से यहाँ गया, फिर आएगा इस यहाँ से आ जाएगा ये V3 और फिर V4, ऐसा हो गया। क्योंकि यहाँ जाने के बाद इसी पे गिरेगा ना, यहाँ आया फिर यहाँ गया फिर यहाँ आया, रूट पे हिसाब से बनाओगे ना, रूट में ऐसा ही बना हुआ है। अब जरा देखो कि यहाँ से नीला खून आया, और ये गया और ये यहाँ से गया, सिर्फ V2 का नाम बताना, V2 का पल्मोनरी वॉल्व, और फिर यहाँ से इस पे आया फिर नीचे गिरा और फिर यहाँ से, चलो इतनी बात समझ आ गई। अच्छा अब देखो तुम ही से पूछेंगे तब तुम्हें समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। अच्छा बोलो, when left ventricle contract, जैसे पूरा तुम स्ट्रक्चर ही बता दो, लिखेंगे तो हम बाद में। चलो when left ventricle contract oxygenated blood passes through pulmonary, वो जब तुम बोलोगी तब हम नाम लिख देंगे। When left ventricle contracts, जब ये यहाँ पर पाया निलय सिकुड़ता है तो फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड रक्त है ये निकल जाता है, कहाँ से निकल जाता है, आओर्टा, किससे निकल जाता है, और इस वॉल्व का नाम क्या है, aortic वॉल्व। अब आगे की बात करो, when left ventricle contract, फिर से बोलो, when left ventricle contract oxygenated blood passes through aorta via aortic wall and blood goes to various body organs under pressure, under pressure, भाई जब ये प्रेशर मारेगा यहाँ से तो ये किसमें है, आर्टरी से जा रहा है ना, aortic wall का मेन आर्टरी नहीं है, बोलो यही तो मेन आर्टरी है, मुख्य धमनी, सो इससे गया तो ये बहुत प्रेशर से गया, ये ब्लड कहाँ गया, क्योंकि यही आगे जो मेन ब्लड वेसल है ये बहुत महीन महीन किसमें बदल जाने वाली है, क्या ब्लड कैपिलरीज है, यही जो है आगे बोलो, और अगर उनमें छोटे छोटे पाइप, उन्होंने एक दिन कैपिलरी दिखाई थी कि नहीं, उनमें अगर प्रेशर नहीं लगाओगे तो क्या पानी जा पाएगा एक एंड से, तो ये बहुत प्रेशर से जाएगा और ये आगे चल के बॉडी में सब जगह किसे बदल जाएगा, बुक खोलो तो उसमें क्या नीचे नहीं दिखा है, बॉडी में छोटी छोटी कैपिलरीज है नीचे, ऐसा एक डायग्राम ही तुम्हारे पास बना होगा, कहाँ गया, बनाया नहीं तो एक बुक में है ऐसा डायग्राम, देखो तुम ये मुजीद की बुक से देख लो, है ना, तो नीचे है, सो व्हेन जब ये बॉडी में जाएगा, सो अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर जाएगा तो ब्लड चेंजेस, ठीक है, ये क्या करेगा बताओ, कि ये हैंड्स ओवर ऑक्सीजन टू वेरियस बॉडी सेल्स एंड टेक्स CO2 फ्रॉम देयर एंड गेट डी ऑक्सीजन, फिर से बोलो सर जितना बोला, शुरू से बताइए, व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल से ही बताओ, व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स थ्रू एओर्टा वाया एओर्टिक वॉल एंड देन इट मूव्स टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ब्लड goes under pressure, oxygenated बोला था तुमने, and blood goes under pressure and reaches to each and every cell of the body and transfer oxygen there and take CO2 and become deoxygenated. चलो अब यहाँ से तुमने इसको deoxygenated कर दिया, क्या यहाँ से भेजा था, बोलो यहीं से तो भेजा होगा, भेजने के बाद तुमने इसको क्या किया होगा, कहीं बाइफर्केशन किया होंगे इसके, अब बाइफर्केशन कर दिया होगा तो कई लेवल में ये आगे बढ़ा होगा, फिर बॉडी में क्या हुआ होगा, बहुत सारे सेल में इसने अपना डीऑक्सीजनेशन कर दिया, और फिर क्या ये फिर से मिलने वाला है, तो ये आगे चल के ये फिर मिल गया, और फिर ये आगे बोलो अब ये ब्लड कैसा हो गया, नाउ इट बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड, आगे की बात करो, ये देखो रेड था, ये रेड जा रहा था और रेड जाने के बाद इसने सब ऑक्सीजन किसको दे दी, सेल को, जैसे ही CO2 ले लिया
तो अब ये कैसा हो गया? अब आगे की बात करो, अब ये डी ऑक्सीजनेटर सर ऊपर इंफीरियर वीना कावा सेंड करेगा या सुपीरियर? दोनों से। जो ये हार्ट है, ये जो मस्तिष्क है और इसका ऊपरी धड़ है, यहाँ से जो ब्लड एंटर करता है वो सुपीरियर वीना कावा से करता है, और जो यहाँ से हार्ट के नीचे का हिस्सा है वो इंफीरियर वीना कावा से एंटर करेगा। तो ये दोनों तरफ से एंटर करेगा, और ये यहाँ से अब किससे जुड़ने वाला है बताओ? वीना कावा नीचे की हम बात कर रहे हैं, और ये इससे चल जाएगा, ऊपर से भी आएंगे, लेकिन इन सब में क्या होगा? Now, this deoxygenated blood moves through vein, है ना, unidirectionally by non-return wall and routed to heart. कितना बोलो? Now this deoxygenated blood moves through veins via non-return wall. Unidirectionally. मतलब एक ही डायरेक्शन वाला लौट नहीं सकता ये। थ्रू वेना कावा एंटर्स इन राइट एट्रियम। हां ठीक है। एंड व्हेन राइट रुक जाओ तो मूव्स टू हार्ट, ये बात है। हियर द ब्लड इज नॉट अंडर प्रेशर, यहां पर ब्लड में प्रेशर खत्म हो जाता है, क्योंकि अब एक पतले पतले कैपिलरी से निकलेगा तो कुछ प्रेशर रह जाएगा क्या? उससे तो ड्रॉप निकलेगा ब्लड का, इधर से पानी मारो कैपिलरी तो दूसरे से बूंदी तो निकलेगी, बाहर नहीं निकलेगी। सो इट इज नाउ ब्लड इज नॉट अंडर प्रेशर, सो इट इज रूटेड थ्रू हियर इट फॉल्स। अब आगे को बताओ। हियर इट फॉल्स इन राइट एट्रियम एंड व्हेन राइट एट्रियम गेट फिल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स थ्रू ट्राइकस्पिड। जब ये फिल हो गया, व्हेन राइट एट्रियम गेट फिल्ड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ब्लड फॉल्स, मूव्स ना बोलो, फॉल्स जब ये फिल होगा तो इसको कॉन्ट्रैक्ट भी कराओ, एक बार उसको कॉन्ट्रैक्ट कराया, फिर इसको पहले इसको कराया, फिर इसको कॉन्ट्रैक्ट कराया, इसको नहीं कराओगे? ठीक है, moves through, ठीक है, moves बोलो, blood moves under pressure, to under pressure, या blood is rooted under pressure, blood is rooted under pressure to lungs, सही है, to lungs, pulmonary veins, artery, veins, लिख देता हूँ, veins से कभी थोड़ी आएगा, एक तरफ under pressure भी बोल रहे हो, फिर vein भी बोल रहे हो, जब under pressure तो artery को नहीं बोल रहे, पल्मोनरी आर्टरी, और इसका क्या नाम है? पल्मोनरी वॉल, ये याद रखना, डीप मा, दैट इज टी टी, ठीक है, सबसे पहले क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल, फिर पल्मोनरी वॉल, मीट्रल वॉल, फिर आर्टिक वॉल, यही चाहिए, ठीक है ना? तो ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी, या यहाँ से समझो, आर्टिक से गई हो तो आर्टिक से गई, तो फिर यहाँ उसके बाद क्या हुआ, कोई भी है ये चार है यहाँ पे, ठीक है, तो टी पी और फिर एम, यहाँ से आया, फिर इसमें गया, फिर इसमें गया, उसी तरह से लिखा भी है वी थ्री, तो वी वन वी टू बीटीबी। अब चलो आगे की बात करो, यहाँ से फिर से बताओ, when right ventricle contracts, blood is routed to lungs under pressure through pulmonary artery via pulmonary veil, pulmonary artery via pulmonary wall, and then in lungs blood cap blood get blood gets oxygenated and comes back to left atrium. Left atrium. And then फिर तो वही आ रहा है। False. फिर किसमें? अभी नहीं। यहाँ पे तो नहीं है। अभी यहाँ से गई है तो यहाँ तक तो गिराना पड़ेगा ना ब्लड को। हाँ। अभी तो atrium में ही है। Left atrium. Then it gets contract. हाँ।
तो तुमको ये तो बात पता चल गई होगी, यहाँ से ब्लड गया है तो फिर यहाँ आगे बाइफरकेट किया होगा, और बाइफरकेट करने के बाद ये क्या फिर मिल गया होगा, और ये यहाँ से गिरा होगा क्या? बोलो, यहीं से तो इसमें गिरा होगा, सही है। तो ये ब्लड कहाँ कहाँ था? नीला नीला, और फिर उसके बाद यहाँ से क्या हो गया होगा? रेड हो गया होगा। इतनी बात हो गई। अब देखो यहाँ से रेड हो गया, हाँ फिर बोलो। Through pulmonary vein into left atrium, blood oxidated blood from into left atrium, and when left atrium gets filled, it contracts and falls into left ventricle via dicuspid valves. Yeah, mitral valve भी लिख सकते हैं। इसका नाम क्या होगा? Mitral valve भी है। कहीं कहीं पूछ लेते हैं। और मैंने सारे valve लिख दिए। मैंने तो शुरुआत कहाँ से? When left ventricle contracts, सबसे पहले क्या है? When left ventricle contracts. अब यहाँ से लिखते लिखते लास्ट में लिख देना, now blood falls in left ventricle and ready for next cycle. क्या लिखोगे? Ready for next cycle. तो क्योंकि उसी में फिर से गिर गया। तो question है right function of blood. क्या करके दिखाऊं? Function of heart. जैसे इन्होंने बताया है वही लिख के दिखाओ, फिर हम दिखाएंगे। एक बार पहले आपका भी रूट पता चल जाए ना हमको। डायग्राम रहेगा इसी से देख के कहता, देखो सब चीजें बनी है। अपने मन से लिखना है कि कब कब क्या, चार बार कॉन्ट्रेक्शन होना चाहिए, चार वाल्व के नाम आना चाहिए, कहाँ कहाँ गया, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड भी होना चाहिए। सेप्टम इसके लेफ्ट में राइट में डीऑक्सीजनेटेड है और लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड है। शुरुआत यहाँ से करनी है। वेल लेफ्ट वेंट्रिकल, हाँ डायग्राम है। चलो इसको अमर्श कहते हैं, अपने भाई के कष्ट में खुद खुश हो, अपने भाई के कष्ट में तुम खुश हो रही हो। बोलो बोलो। इसको आप लोग ये भी लिख सकते हो, ट्राई पुलिंग माई आर्म। तो टी आर से ट्राई कस्पिड हो जाएगा, पी यू एल से पल्मोनरी मिट्रल और आउटिक। ये मतलब यूट्यूब में ये दिया है। Now, that is function of heart. Human heart is four-chambered heart in which oxygenated blood is separated from deoxygenated blood via septum. Human heart is four-chambered heart
इन विच ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेपरेटेड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया सक्रम फोर चैम्बर्ड हार्ट इज मोस्ट एफिशिएंट काइंड ऑफ हार्ट अमंग ऑल मैमल्स सभी मैमल्स में या जितने भी ये कॉल डाटा है मतलब जितने भी तरीके के एनिमल्स हैं ना उसमें मैमल्स हैं फिशेज हैं और एविस हैं रेप्टाइल्स हैं एम्फीबियंस हैं ये सभी तो एनिमल्स हैं इनमें किसी किसी में टू चैम्बर्ड है किसी किसी में थ्री चैम्बर्ड है तो सबसे एफिशिएंट कौन सा है एनिमल्स तो सबसे प्रिमिटिव कौन है फिशेज फिर क्या है एम्फीबियंस और फिर क्या है रेप्टाइल्स फिर क्या है बोलो नाउ अब देखो रेप्टाइल्स फिर एविस और फिर क्या है मैमल्स तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें कितने कितने चैम्बर्ड है लाओ कि जो एनिमल्स हैं उनको हम लोग क्या कह देते हैं कॉर्ड डाटा क्या कहेंगे क्योंकि इनके पीछे क्या है मेरु रज्जू कौन है मेरु दैट इज रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड क्या इसमें स्पाइनल कॉर्ड है तभी हम लोगों को कॉर्ड डाटा कहते हैं हम लोगों को कॉर्ड डाटा क्यों कहा जाता है क्योंकि हम लोग के पीछे क्या है क्या उसी में से सारी नर्व्स सारी नसें माइंड में जा रही हैं अगर ये झुक गई तो फिर हम सोचने जाएंगे अच्छा क्या बोला अच्छा ये बोला क्या क्या बोला किसके अंदर नसें हैं जैसे किसी में वायरिंग जा रही हो और वायर उसको पीवीसी पाइप कोई तोड़ दो मोड़ दो तो क्या होगा जो सीधे नहीं बैठते हैं उनके अंदर की नसें टूट मूट जाती हैं तो जो झुक के बैठ रहे हैं कुछ कह रहे हैं तो समझो उनका रिस्पॉन्स टाइम तो जिसकी स्पाइन जितनी अच्छी है वो 60 साल का बूढ़ा भी 20 साल का जवान है तो हम लोग कॉर्ड डाटा है हम लोग क्या है क्या जो जितने भी हैं सब में इसमें वो होती किसी ने मछली खाई उसमें भी बीच में हड्डी होती क्या तो इस तरीके से पहले सब लोग सबसे पहले क्या थे पानी में रहते थे पानी में खाने की कमी हुई तो उन्होंने भगाया भागो यहाँ से तो वो उछल के आ गए जमीन पे वो मेंढक कहलाए बोले ठीक है प्रजनन के लिए तो हमको पानी में आने दो बोले ठीक है अपना रिप्रोडक्शन करो फिर भागो बाहर फिर वो बाहर आ गए फिर जब बाहर आने लगे तो उनको और खदेड़ा बोले अब हम पानी में कभी आएंगे नहीं अब हम दूर जा रहे हैं फिर वो सरकते सांप बन गए रेप्टाइल वो वहाँ से निकल गए आगे उन्होंने कहा हम अंडे देने भी नहीं आएंगे हम बाहरी अंडे देंगे फिर छिपकली उपकली बाहरी अंडे देने लग गए फिर उसके बाद उन्होंने आपस में समझ आया तो उसमें से कुछ ऐसे रेप्टाइल से उनमें भी क्या हुआ ये डायनासोर ये सब रेप्टाइल है उनमें भी आपस में एक दूसरे को मार काटी तो कुछ लोगों ने पंख बना लिए बोले अब हम उड़ रहे हैं तो उड़ने लग गए लेकिन अंडे तो जमीन पे देते थे तो जब ये जमीन पे अंडे देते थे तो दूसरे डायनासोर उनके अंडे खा जाते थे या दूसरे खा जाते पक्षियों को अपने अंडों की सुरक्षा करनी पड़ती ना अभी भी चिड़िया लोगों के अंडे बिल्ली खा जाती कि नहीं खा जाती तो कुछ लोगों ने कहा तुम हमारे अंडे खाओगे अब हम पेट में ही बच्चा रखेंगे तभी जन्म देंगे जब वो दौड़ने लायक हो जाए तो हाथियों की बाद में बच्चा देने लग गए और फिर उनके बच्चे पैदा होते ही चलने दौड़ने फिरने लगते हैं तो वे मैमल्स कहलाए ये तो बात हो गई इनकी कहानी कि इनका इवोल्यूशन या विकास किस प्रकार से हुआ सच में ऐसे ही और कैसे हम बता रहे तो कह नहीं सच में ऐसे हाँ ये टू चैम्बर्ड है इनमें कितने चैम्बर्ड हार्ट है
टू चैम्बर है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स थ्री चैम्बर, और एविस और ये फोर चैम्बर, और इसमें एक एक्सेप्शन है कि क्रोकोडाइल इज रेप्टाइल बट इट हैज फोर चैम्बर वाला एक्सेप्शन। ये क्वेश्चन खूब आता है, क्रोकोडाइल इज द ओनली रेप्टाइल। अब बात समझ आ गई, टू चैम्बर थ्री चैम्बर, अभी हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, तीन में कैसे काम होता है, हम तो फोर चैम्बर का देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा इनके बारे में भी पूछा जाता है कई बार। तो क्रोकोडाइल इज द ओनली रेप्टाइल हैविंग फोर चैम्बर। इन टू चैम्बर्ड एंड थ्री चैम्बर्ड हर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट मिक्स्ड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इज सप्लाइड टू बॉडी। बताओ अगर तुम्हारे शरीर में अच्छा और गंदा खून मिल जाए, वही बॉडी में सप्लाई किया जाए, तब तुम अच्छा काम करोगे कि अच्छा अच्छा खून मिले। तो हमारी बॉडी में तो अच्छा अच्छा ज्यादा ऑक्सीजन, लेकिन बाकियों में जिनमें उतने चैम्बर ही नहीं है, तो उसमें क्या होगा बोलो, वो चीज नहीं हो पाएगी। Now let us see. कितनी बार समझ में आ गई कि नहीं? So in case of, उसको मैं बाद में देखूंगा, in case of two chambered and three chambered heart, mixed blood is supplied to heart. बोलो बात समझ में आ गई? कैसे होता है ये हम अलग से बताएं। In case of two chambered and three चैम्बर्ड हार्ट, इससे अंशिका क्या होता होगा? मिक्स्ड ब्लड इज सप्लाई, क्या होता होगा? अब आप बताओ क्या होता है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं? दैट इज मिक्स्ड ब्लड का मतलब है ऑक्सीजनेटेड सेल्स को ऑक्सीजन से नहीं मिलेंगे, देखो ऑक्सीजन रेट ऑफ मतलब CO2 ज्यादा होगा, उससे CO2 बैलेंस नहीं बनता, बता दें हो जाएगी और उनको एनर्जी भी इतनी ज़्यादा। वो सीधा बता नहीं, वो कोल्ड ब्लड है, तुम इतना घुमा रही हो। सो ऑक्सीजनेटेड जो मिक्स ब्लड है इज सप्लाई टू, अब जब वो सप्लाई होगा तो क्या होगा बोलो, ठीक है? सो बॉडी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी कि नहीं? अच्छा, CO2 की मात्रा ज्यादा, भाई CO2 बॉडी में भेजा जाएगा तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम नहीं हो जाएगा, CO2 भेजा जा रहा है। अब हम आगे की बात करें, ये तो हमने बता दिया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई थ्रू सेप्टम, और ये भी बता दिया कि किनमें कितने कितने होते हैं, ये MCQ हो गया। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ हार्ट। सो व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, अब आगे की बात करते हैं, फिर से लिखो। सो डी ये देखो, जैसे कोई वहां हार्ट का डायग्राम भूल जाए तो ऐसे बना दे, दैट इज आर ए एल ए आर वी एल वी, नंबर नहीं कटेगा, कटेगा तो यहाँ से गया बॉडी, अरे सर का रफ मिलेगा, ये बॉडी गया कुछ मिल जाएगा, और फिर बॉडी से कहाँ गिरेगा, फिर यहाँ से और फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, और लंग से किस में गिरेगा, एल ए में, और फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर समझ में आ गई बात। अब इसके बाद ये हम देख रहे हैं कि रेड रेड कहाँ है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये रेड हो गया, फिर यहाँ से ब्लू हो जाएगा, अब बोलो और रेड कहाँ से होगा, जो राइट राइट जो इस साइड है सब रेड बना, और जो उस साइड है वो सब ब्लू।
ये देखो, और यहाँ पर भी ये सही है। और बताओ इसमें सिस्टीमिक सर्कुलेशन किसे कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। हेलो हेलो हेलो, हाँ नमस्ते जी, इसकी मदद। हाँ जी बोलिए, थोड़ा पहले छोड़ दें, ठीक है, ओके ओके छोड़ दें, तुम ऐसा करो पहले छूट जाओ। कितनी बात होगी। अब यहाँ देखो इस सर्कुलेशन को क्या कहेंगे बोलो? सर्कुलेशन, और ये हो गया सिस्टीमिक सर्कुलेशन। ओके नाउ व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट हमने लिखा दिया था, और ये भी लिखा दिया था इट गेट डी ऑक्सीजनेटेड, यहाँ तक हो गया इन बॉडी इट गेट्स डी ऑक्सीजनेटेड। सो नाउ वेन ब्रिंग्स बैक, अब वेन यहां से ब्रिंग बैक हो, ये तो वेन है ना, और ये किससे गिरेगा? पीना कावा। वेन ब्रिंग्स बैक डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, टू हार्ट, किससे? थ्रू नॉन रिटर्न वॉल। बोलो किससे? थ्रू नॉन रिटर्न वॉल, ठीक है। इट फॉल्स टू राइट एट्रियम बाई वीना कावा, इट falls to right atrium through vena cava, that is main vein, यहां पे गिरेगा, और ये वीना कावा है। अच्छा, इसके ठीक ऊपर सब क्लेवियन वेन है, उससे लिम्फ गिरेगा, है हार्ट में जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्लाज्मा है, तो सब क्लेवियन वेन है कॉलर बोन के नीचे, वो वीना कावा से गिरता है। मतलब वो भी हार्ट में, एक और चीज भी हार्ट में गिर रही है, वो सब क्लेवियन वेन है, वो प्लाज्मा लाके जाने का था ना, पूरी बॉडी में ब्लड को छोड़ छाड़ देगा। हैं ये यहाँ पे गिर जाएगी, दैट इज वीना कावा। ये देखो, तो हमारे पास हार्ट में ये चीज, तो ये दोनों आप देख रहे हैं, ये तो ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा है, ये सब किस में जा रहा है? क्या इसी में? और ये सब क्लेवियन वेन है बीच वाली, ये लिम्फ लेके आएगी। क्या लेके आएगी बोलो? लिम्फ, तो तुम समझते हो ना कि जो ब्लड शरीर में छोड़ देते तो उसको अलग से लाया जाता है, इसको भी तो रूट करो। हाँ, तो वो समझ आ गया ना, तो ये दोनों, ये बिना ये सब क्लेवियन वेन, वो हम बाद में देखेंगे क्योंकि अगले पेज में लिम्फ है आपके में, तो वहां पे हम देखेंगे। इतना समझ में आ गया? तो अब कहां पे गिरा बताओ? एट्रियम थ्रू वीना कावा, इट फॉल्स टू राइट एट्रियम थ्रू वीना कावा। नाउ राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, अब क्या होगा? व्हेन राइट एट्रियम गेट फिल्ड, ब्लड पुशेस राइट एट्रियम गेट filled with blood, it contracts and pushes blood under pressure to right ventricle via tricuspid wall and pushes blood under pressure to right ventricle via tricuspid wall,
नाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल्स राइट वेंट्रिकल, फिल कर देगा कि नहीं राइट वेंट्रिकल, ये इसमें गिर जाएगा राइट वेंट्रिकल। नाउ राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, सेंटेंस पूरा करो ध्यान से। नाउ एंड ब्लड इज रूटेड टू लंग्स थ्रू पल्मोनरी अंडर प्रेशर थ्रू पल्मोनरी आर्टरी वाया पल्मोनरी वेल एंड वॉल्व। ब्लड इज पंप्ड, ठीक है, रूटेड टू लंग्स। देखो अब इसके बाद क्या होगा, रूटेड टू लंग्स अंडर प्रेशर, अब यहां से भेजा जाएगा अंडर प्रेशर। अब इनकी मम्मी बोलेंगे कि छोड़ दो, तो मैं कहूंगा वो छूट नहीं रहा है, हमने तो बोला कि छूट रहा। अब देखो एंड ब्लड इज रूटेड टू लंग्स, यहां से क्या हुआ बताओ, ब्लड इज रूटेड टू लंग्स वाया किसके द्वारा, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी वाया पल्मोनरी लंग्स, तुम कुछ भी लिख सकते हो। वाया पल्मोनरी वॉल देयर एट एल्वियोलर साइट, वहां ये जाएगा तो क्या करेगा, इट गेट ऑक्सीजनेटेड। और यहाँ पे क्या होगा, एट सेलुलर साइट पे डीऑक्सीजनेटेड लिखा था आपने, अब क्या लिखने जा रहे हैं, एल्वियोलर साइट पे ऑक्सीजनेटेड, सेलुलर साइट पे डीऑक्सीजनेटेड और एल्वियोलर साइट पे ऑक्सीजनेटेड। देयर एट एल्वियोलर, एल्वियोलर साइट इट गेट्स oxygenated and returns back to heart, और फिर क्या होगा, returns back to heart via, sentence पूरा करो ईशान। oxygenated blood by pulmonary vein via non-return walls and falls into left atrium. Pulmonary vein, ठीक है, via pulmonary vein through pulmonary vein through non-return wall, non-return wall and falls to left atrium, और किसमें गिर जाएगा, एंड falls to left atrium में गिर गया। जहां जहां एनआरवी है वहां अलग से वाल्व की जरूरत नहीं है, ये एनआरवी वाला है, यहां कोई वाल्व लगा है, यहां भी एनआरवी है कोई वाल्व लगा, तो falls to left atrium, when left atrium get filled with oxygenated, when left atrium get filled with oxygenated blood, the left atrium contracts and pushes oxygenated blood left ventricle via, इस sentence को पूरा करो साक्षी, सही है, via mitral wall, now left ventricle get filled and blood is ready for next cycle. Get filled with oxygenated blood.
अब ध्रुवांशी समझ में आ गई पूरी बात? एंड रेडी और नेक्स्ट कल हम लोग ब्लड प्रेशर चेक करना सीखेंगे स्पिग्मो मैनोमीटर से और ये सब चीजें देखेंगे। सर अपना जो है, हाँ सर दो दो स्टेथोस्कोप भी है स्पिग्मो। सर जब से स्टार्ट करते हैं तो खा देते हैं और उसका भेजने क्यों लगता है वो कर लेते सर जब इस मशीन में गोली से स्टार्ट करते तो हाथ के अंदर कुछ होता है ना? हाँ अचानक वो क्या होता है ना।